अमेजॉन कंपनी है जो शुरुआती दौर में क्या नाम रखा हुआ था, शुरुआती दौर में क्या उसको समस्या का सामना करना पड़ा, क्या क्या उसको ईरर आता था। टाटा कंपनी है उसको क्या ईरर आता था, दिक्कत आता था। आप वीडियो के अंत तक बढ़े आपको सारे का सारे आंसर मिलेगा। अमेजॉन यानी कि अमेजॉन जो कंपनी है वह पहली बार शुरुआत यानी कि स्थापना उसको किस तारीख का किया गया, अमेजॉन जो है उसका यानी कि मेन मालिक किसे कहा जाता है, जेफ बेजोस से कहता है। लेकिन जेफ बेजोस ने उस कंपनी को प्रथम बार वहां जो कि 5 जुलाई 1994 यानी कि उस दिन क्या खास था कि 5 जुलाई 1994 के ही जेफ बेजोस ने अमेजॉन कंपनी को स्थापना दी और वह स्थापना देने के बाद इतना दुनिया में आज पॉपुलर है। अमेजॉन कंपनी इतना बड़ा यानी कि दुनिया में सबसे पॉपुलर यानी कि सबसे रिच मैन में कहा जाता है अमेजॉन कंपनी यानी कि जेफ बेजोस कहा जाता है। लेकिन जब जेफ बेजोस ने प्रथम जो कंपनी अमेजॉन वह कहां पर खोले थे, आप जानकर चौंक जाएंगे, कोई बड़े ऑफिस वगैरह में नहीं खोले थे, वहां एक मैकेनिकल के गैराज में जहां पर मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ी बनाया जाता है उसमें जाकर वहां खोले थे। और खोलने के बाद आज इतना पॉपुलर गया यानी कि उनका जो दिमाग कितना चला है और आज पूरे दुनिया में राज कंपनी यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कहीं आपने सुने हुए हैं कि रोबोट काम करता है, आप लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा मैंने नहीं सुने हुए, बहुत अधिक यानी कि कम ही जगह है जहां पर रोबोट काम करता है। लेकिन जो अमेजॉन कंपनी है, अमेजॉन जो सामान ई कॉमर्स कंपनी है वह बेचता है, वह बहुत यानी कि बहुत अधिक मात्रा में रोबोट को रखकर और काम यानी कि व्यक्ति का या किसी आदमी जगह रोबोट का रखा है क्योंकि कम खर्चे में उसे निकल जाता है। कंपनी यानी कि अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी है जो कि सबसे अधिक मात्रा में बुक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान दवा यानी कि हर एक प्रकार के वहाँ प्रोडक्ट को बेचा करता है। लेकिन सबसे प्रथम बार क्या अपने आप से पूछे हुए हैं कि अमेजॉन कंपनी प्रथम बार कौन सा किताब को बेचा हुआ था? जी हाँ, कोई ना कोई किताब को प्रथम बार बेचा हुआ था लोग बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद। उसका किताब का नाम है फ्लूड कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिव एनालिटिक्स जो कि किताब पहली बार अमेजॉन बेचा हुआ था बहुत दिक्कतों का कॉमर्स कंपनी जो कि अमेजॉन है। यहाँ यह बात फैक्ट है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन है लेकिन ई कॉमर्स जो कंपनी अमेजॉन यानी कि प्रथम बार स्टार्ट हुआ था जो पेमेंट ऑनलाइन यानी कि प्रथम बार भी ऑनलाइन पेमेंट करने का शुरुआत हुआ था। जी हाँ, लेकिन जब ऑनलाइन पेमेंट में इतना ईरर आता था यानी कि इतना दिक्कत आता था कि जब सामान कोई व्यक्ति अगर देखता था उसे खोलकर ऐप पर तो उसको लगता यानी कि उस पर ऑटोमेटिक पेड हो जाता रुपया, बिना रुपया पेड किए हुए रुपया पेड होने के कारण यानी अमेजॉन को उस किताब को फ्री में प्रोवाइड करना था, करना पड़ता था क्योंकि वहां पर पेड हो जाता था रुपया। और इसे बहुत नुकसान करने के बाद यहाँ सुधारने के बाद आज जो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कहा जाता है। कॉमर्स कंपनी यानी कि ई कॉमर्स कंपनी जो अमेजॉन है उसमें कितने व्यक्ति काम करते हैं, आप लोग कहेंगे कोई बहुत अधिक मात्रा में व्यक्ति काम करते होंगे 50 लाख 1 करोड़ के करीब। लेकिन जितना भी अगर ई कॉमर्स कंपनी है उसमें कम ही व्यक्ति में पूरे उसका काम को निपटाया जा सकता है, ऐसा होता है अमेजॉन में। अमेजॉन में लगभग 3 लाख यानी कि 2018 के सर्वे के अनुसार अमेजॉन में लगभग 3 लाख यानी कि लगभग 3 लाख व्यक्तियों ही ने मिलकर पूरे अमेजॉन को संभालता है। जी हाँ, कंपनी यानी कि ई कॉमर्स जो कंपनी है वह कितना लोकप्रिय है यानी कि टॉप 10 में कितने नाम पर आता है, आप लोग कहेंगे कि टॉप 10 अधिक वही मात्रा में होगा 1-2 करीब होगा। लेकिन हाँ, वहाँ जो टॉप 10 में होता है अमेजॉन यानी कि 10 के जो यानी कि दुनिया भर में जितना 10 जो वेबसाइट है टॉप 10 में रखे जाने वाला वेबसाइट है, गूगल, याहू, अमेजॉन, इन सब वेबसाइटों में यानी कि 1-2 के करीब अमेजॉन आता है, बहुत अधिक मात्रा में इसे टॉप 10 में कहा जाता है। ऐसा ही सॉफ्ट है यानी कि उसका जो संस्थापक है बिल गेट्स है। जी बात यहाँ सच है कि बिल गेट्स है, लेकिन जब शुरुआती दौर में किसी न किसी कंपनी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दीक्षित सर ने यहाँ कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जब अपना ऐड यानी कि विंडोज का प्रचार देते थे, ऐड जो टीवी पर ऐड आता है वह खुद यानी बिल गेट्स विंडोज के प्रचार को बताते थे कि इस प्रकार के है, इस प्रकार के बताइए। एक जो बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के पूरा दुनिया का मालिक है वह प्रथम बार अपने से ही ऐड दिखाते हैं। यानी कि जो टाटा ग्रुप है, टाटा कंपनी जो है वह टाटा कंपनी कितना बड़ा है यानी कि जो उस टाटा कंपनी कितने देश में फैला हुआ है आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, वह जो है वह 85 देश में 100 कंपनी को फैलाए हुए है जो कि सबसे अधिक कहां से उसे सामान आता है यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कहां से सामान आता है, किस देश से आता है, सबसे अधिक विदेशों से यानी कि 70% जो उसका सामान है वह विदेश द्वारा आता है और विदेश में ही कंपनी है। और टाटा का मेन मुख्यालय कोई ना कोई जगह होगा, आप लोग कहेंगे कि उस टाटा कंपनी यानी कि गुजरात साइड में होगा, गुजरात में अधिकतर उसे गुजरात झारखंड में टाटा का जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है तो उसका मुख्यालय मेन गुजरात में होगा। लेकिन आप लोग भी जानते होंगे जो यानी कि बड़े आदमी होता है वो मुंबई को पकड़ लेता है। जी हाँ, मुंबई में अधिक रहना पसंद करेंगे, इसीलिए जो टाटा का जो मुख्यालय मेन हुआ वह मुंबई में ही है। मुंबई के अलावा जो छोटे छोटे है वह जगह पर है लेकिन मेन मुंबई में है। उस कंपनी है, उस टाटा कंपनी का मेन यानी कि जो मेन अभी चेयरमैन किसे कहा जाता है, जो मेन उसका जो मालिक है उसे किसे कहा जाता है,
क्या आपको अगर पता है तो चार सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि जो मेन इसका जो हुआ टाटा का कंपनी का जो मेन मालिक हुआ उसे आज जानकर चौंक जाएंगे, जो कि अभी तक वह शादी किए नहीं है, वह क्यों नहीं किए आप चार सकते लिख सकते हैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। उसकी जो रतन टाटा यानी कि रतन टाटा जी है वह शादी भी नहीं किए हैं जो मेन टाटा का मालिक हुए। ऐसे हैं वीडियो के लिए मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लें।